हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.6 देखने वाले हैं। चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.6 है। इससे पहले हम 2.5 तक की सारी एक्सरसाइजेस देख चुके हैं, और अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उन सभी वीडियोज़ की, आप जाकर देख सकते हैं। और 2.6 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस दिए गए हैं, डेसिमल वाले कुछ नंबर्स हैं, उनमें आपको होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो बहुत ईजी है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट हमें 0.2 दे रखा है, नेक्स्ट हमें नंबर दिया गया है 6, तो इस तरीके से हम लिख लेंगे एंड देन मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे बिकॉज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 टू ज़ा हो जाते हैं 12, तो 12 का 2 यहाँ और 1 हमारा कैरी हो जाएगा एंड देन 6 ज़ीरो ज़ा 0 हो जाएंगे, और ये 1 जो हमने कैरी किया वो हम इधर लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर 12 नहीं आया, अभी जो डेसिमल है ना वो यहीं बीच में लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक संख्या के बाद में डेसिमल लगा है, तो इधर भी एक संख्या के बाद में यहीं डेसिमल लगेगा। ठीक है, तो ये डेसिमल यहीं लगेगा, तो हमारा आंसर आएगा 1.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 1.2 इज़ अर आंसर। तो आप आंसर में लिखेंगे ये हमारा क्वेश्चन है और आंसर इसका 1.2 होगा। सेकेंड है 8 मल्टीप्लाइड बाई 4.6, तो यहाँ 4.6 और 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरीके से हम करेंगे एंड देन 8 6 48 हो जाते हैं, तो हमारा 8 इधर ही रहेगा और 4 कैरी में हो जाएगा। 8 4 32 और 4 हो जाएंगे 36। ठीक है, उसके बाद ये जो डेसिमल है वो इधर लग जाएगा एंड आंसर हो गया 36.8। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर हमें आंसर मिल गया 36.8। उसके बाद लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें 2.71 में मल्टीप्लाई करना है 5 का, तो इस तरीके से लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वंस के नीचे हमेशा वंस लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। 5 1 ज़ा 5, उसके बाद 5 7 ज़ा कितने होते हैं 35, तो यहाँ 5 और 3 हमारा कैरी हो जाएगा, 35 होते हैं, तो 3 कैरी एंड 5 इधर हो जाएगा, लिख जाएगा। उसके बाद 5 2 ज़ा 10 हो जाते हैं। हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार के लिए आप इस ना डेसिमल के साइन को भूल जाइए, डेसिमल का साइन यहाँ पर है ही नहीं ऐसा समझे। तो आप नॉर्मल 271 और 5 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे करेंगे ना वैसे ही नॉर्मली करना है हमें। यहाँ पर 5 7 ज़ा 35, तो उधर 3 हमारा कैरी में हो गया एंड देन 5 2 ज़ा 10 होते हैं, 10 + 3 हमारे 13 हो जाएंगे, तो 13 लिख दिया, आंसर हमारा ये आ गया। अब ध्यान रखिए कि हमारा डेसिमल था, ठीक है, हमारा डेसिमल है, तो डेसिमल है 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, राइट। तो इधर भी 2 डिजिट के बाद, यानी जो 2 5 लिखे हैं इनके बाद ही यहाँ डेसिमल लगेगा एंड आंसर विल बी 13.55, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ 13.55 हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हमारे जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे 20.1 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 20.1 में 4 का मल्टीप्लाई करना है, ये भी बड़ा आसान है। जैसे हमने किए 4 1 ज़ा 4 हो जाता है, उसके बाद 4 0 ज़ा 0 हो जाएगा, बिकॉज जब भी हम किसी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें 0 ही मिलता है एंड देन 4 2 ज़ा 8 एंड हमारा डेसिमल 1 डिजिट के बाद लगा है, तो उधर भी 4 के बाद डेसिमल लग जाएगा एंड आंसर हो जाएगा 80.4। देखिए ये हमारा आंसर है 80.4। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, विच इज़ 0.05 में मल्टीप्लाई करना है 7 का, तो 7 5 ज़ा 35, 5 और 3 कैरी, 7 0 ज़ा 0 एंड देन ये 3 इधर लिख जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 0 यानी 0, तो आंसर हमारा, अब देखो जो डेसिमल है वो 2 डिजिट्स के बाद लगा है, तो इधर भी 2 डिजिट्स के बाद ही डेसिमल लगेगा और आंसर हो जाएगा 0.35। ये हमारा आंसर हो जाएगा 5th क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद 6th क्वेश्चन में है हमारा 211.02, जिसमें हमें 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 ज़ा 8, 4 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, देन 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 मिलेगा एंड देन अगेन 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा एंड देन 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा, 4 2 ज़ा 8। उसके बाद यहाँ देखो 1 2 डिजिट के आगे हमारा डेसिमल लगा हुआ है, तो इधर भी जो हमारा आंसर आया उसमें भी 2 डिजिट छोड़कर ही हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे और आंसर हो जाएगा 844.08। तो देखिए ये हमारा आंसर हो गया 6th क्वेश्चन का एंड देन हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट
सेवन्थ क्वेश्चन पे जो कि है 2 × 0.86, तो 0.86 है और उसमें 2 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 × 12 हो जाते हैं, 1 कैरी हो जाएगा, 8 × 16 एंड देन 1 × 17, 17 का 7 और 1 दोबारा कैरी, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 का तो हमें 0 मिल जाएगा, लेकिन कैरी वाला 1 भी है हमारे पास, तो 0 + 1 हो जाएगा 1, तो इसलिए इधर 1 लिखेंगे एंड देन 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग रहा है तो आंसर में भी 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लगेगा एंड हमारा आंसर हो गया 1.72। देख लीजिए आंसर है 1.72। तो इस तरीके से हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें एरिया निकालना है ऑफ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है ना जब भी हम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल की बात करें। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया निकालना है, उस रेक्टेंगल की लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है फॉर्मूला एरिया निकालने का, इसे कर हमें एरिया पता चल जाता है ऑफ अ रेक्टेंगल। तो देखो यहाँ हम लेंथ की जगह लेंथ लिखेंगे, लेंथ कितनी है, लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर, तो लेंथ की जगह लेंथ लिख दिया 5.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई का साइन, और ब्रेथ कितनी है, ब्रिथ है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो इधर ब्रिथ के नीचे हम ब्रिथ लिख देंगे एंड देन हमारा इज इक्वल टू में आ जाएगा एरिया। एरिया निकालने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5.7 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, दोनों ही सेंटीमीटर और सेंटीमीटर हैं, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 3 = 21 होता है, 21 का 1 और 2 कैरी में हो जाएगा, उसके बाद हमारा 5 × 3 = कितने होते हैं, 15 होते हैं, 15 में कैरी वाला 2 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। अब देखो डेसिमल हमारा 1 डिजिट के बाद लग रहा है तो इधर भी 1 डिजिट के बाद ही हम डेसिमल लगाएंगे एंड आंसर हमारा आ गया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो होता है छोटा सा 2 का साइन, ये स्क्वायर का होता है क्योंकि जब 2 सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए जब 2 सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, यानी सेंटीमीटर के ऊपर छोटा सा 2 लग जाएगा। ऐसे ही अगर 2 मीटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर में मीटर स्क्वायर आएगा, तो जब ऐसे हम स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमने स्क्वायर लगा दिया बिकॉज 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो आंसर आ गया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आंसर आया वो होता है एरिया, तो हमें पता चल गया कि एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें वही चीज़ दे रखी है, बस यहाँ पर हमें जो है डेसिमल वाले नंबर्स हैं एंड देन 10, 10, 10, 100 ऐसे ही नंबर्स दे रखे हैं, कभी 100 से कभी 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया हम वैसा ही करने वाले हैं। तो अब जैसे अगर 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई होता है तो हम इनके लिए एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं जिससे जल्दी हमारा आंसर निकल जाए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 है, तो देखिए 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो यहाँ 10 में 10 है, 10 में 10 है, तो ये जो डेसिमल है ना वो 1 डिजिट आगे या फिर हम कह दें पीछे चला जाएगा, तो जैसे 1.3 है और 10 में है 10, तो ये डेसिमल हमारा 1 डिजिट पीछे चला जाएगा, यानी 3, ये जो डेसिमल है यहाँ से उठकर 3 के पीछे लग जाएगा, ठीक है, यानी 13 पॉइंट। अब 13 पॉइंट तो बोल नहीं सकते, 13.0 ऐसे लिखा जाता है, तो ये 13.0 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, सो अवर आंसर विल बी 13.0। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है और इसका आंसर आप इस तरीके से लिख देंगे 13.0। सेकंड क्वेश्चन है 36.8, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 10 का, तो देखो अब यहाँ 10 में 10 है तो 36.8 है, 10 में है 10, तो यानी डेसिमल एक डिजिट पीछे चला जाएगा, तो यानी ये डेसिमल उठा और इधर लग गया, एक डिजिट पीछे लग गया क्योंकि 10 है इसलिए 1 डिजिट पीछे लगा, 20 होती तो 2 डिजिट पीछे लगता, तो अब ये बन गया 368.0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये रहा हमारा आंसर सेकंड क्वेश्चन का, ओके। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें हमारा 153.7 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, तो यहाँ पर भी 10 है तो ये डेसिमल उठकर 7 के पीछे लग जाएगा और आंसर हो जाएगा 1537.0, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, देखो आपके सारे आंसर इधर लिखे हुए हैं तो आप एक बार ना चेक करते रहिएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन 168.07 मल्टीप्लाइड बाय 10 है, तो इसे आप खुद करने की कोशिश कीजिए क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे होने वाला है। तो देखो अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि क्या होगा, अब यहाँ 10 में है 10 और हमारा है 168.07, इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 10 में 10 है तो ये डेसिमल उठ के 1 डिजिट पीछे जाएगा यानी 0 के इस साइड लग जाएगा,
तो यहाँ से उठकर इधर एक डिजिट पीछे गया, क्योंकि एक ज़ीरो है 10 में, तो जितने ज़ीरो होती हैं उतना पीछे चला जाता है, तो यहाँ पर लग गया ये, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में 31.1 है और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, तो देखो ये थोड़ा डिफरेंट आया। इसमें देखो टू ज़ीरोज़ हैं, इसमें टू ज़ीरोज़ हैं और क्वेश्चन 31.1 है, तो टू ज़ीरोज़ हैं 31.1, तो ये उठकर एक डिजिट पीछे इधर आ जाएगा, ये एक डिजिट हो गई, लेकिन हमें दो डिजिट पीछे करना है, दो डिजिट पीछे करना है, तो हम यहाँ ज़ीरो और ऐड कर देते हैं और इस डेसिमल को इधर कर देते हैं, तो ये डेसिमल उठकर देखो दो डिजिट पीछे चला गया, वन डिजिट ये और दूसरी डिजिट ये, तो इधर हम ज़ीरो ऐड कर देंगे दूसरी डिजिट बनाने के लिए, क्लियर। तो इस तरीके से आंसर हमारा यहाँ से डेसिमल हट जाएगा और इधर चला जाएगा, और अब इस डेसिमल के पीछे कोई भी नंबर नहीं है तो हम यहाँ ज़ीरो लिख सकते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा 3110.0, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 156.1 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसमें देखो 100 में टू ज़ीरोज़ हैं, तो इधर भी सेम ही चीज़ होगी 156.1, तो ये पॉइंट जब इधर आएगा तो सिर्फ एक नंबर पीछे जाएगा, हमें दो नंबर पीछे करना है क्योंकि दो ज़ीरो हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, उसके बाद इस डेसिमल को इधर रख देंगे, क्योंकि ये दो डिजिट हो गई बीच में, तो डेसिमल को हमने इधर रख दिया। अब डेसिमल के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ ज़ीरो लिख सकते हैं और ये डेसिमल इधर से हट जाएगा, तो आंसर हो गया हमारा 156.10, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेवन्थ, जिसमें 3.62 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो रहा है, तो इधर देखो दो ज़ीरो हैं तो डेसिमल उठेगा और ये दो डिजिट हैं, देखो 3.62 तो ये दो डिजिट हैं, इनके पीछे लग जाएगा इधर, और इधर कोई नंबर नहीं है तो ज़ीरो हम ऐड कर देंगे, तो 362.0 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43.07 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 43.07 मल्टीप्लाइड बाय 100 देखते हैं, यहाँ देखो टू ज़ीरोज़ हैं, तो ये डेसिमल जो है ये दो डिजिट के पीछे यानी इधर आकर लग जाएगा और आंसर हो जाएगा 4307.0, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो बहुत आसान है, 10 में 10 है तो ये डेसिमल उठ के 5 के आगे लग जाएगा, यानी 0.0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम है 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 में 10 है तो ये डेसिमल उठ के इधर लग जाएगा यानी एक डिजिट पीछे आ जाएगा, तो 0.08 हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर ना हम 0.08 ना कर, क्योंकि देखो एक ही ज़ीरो भी लगा सकते हैं, मतलब 0.8 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 0.8, या फिर आप 0.8 जो भी लिखें लिख दीजिएगा। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन है, ठीक है, 10th क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर आप आंसर में देखें तो 10th क्वेश्चन का आंसर इधर रॉन्ग लिख रखा है, तो इसे थोड़ा सही कर लीजिएगा, इधर आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, ये इधर आंसर हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, जो कि है 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो देखो दो डिजिट पीछे करना है, तो ज़ीरो को दो डिजिट पीछे करना है, तो यहाँ पर मैं इस डेसिमल को एक डिजिट पीछे होगा तो मैं क्या करूँगी, यहाँ ज़ीरो ऐड कर दूँगी, उसके बाद इस डेसिमल को सीधा इधर रख दूँगी, क्योंकि दो डिजिट हो गई ना, 9 और 0 दो डिजिट हो गई, तो ये हो जाएगा 090.0, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, या फिर आप 090.0 को 90.0 भी लिख सकते हो, ओके। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो 1000 में थ्री डिजिट्स हैं, तो देखो ये अगर हम इधर लग देंगे डेसिमल को तो ये टू डिजिट्स पीछे हो जाएगा, लेकिन हमें थ्री डिजिट्स करनी है, तो इधर हम ज़ीरो ऐड कर इसे इधर कर देंगे डेसिमल, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 30.0, आंसर हो जाएगा 30.0, क्योंकि किसी नंबर के अगर आगे ज़ीरो लगती हैं तो उनका कोई वैल्यू नहीं होती, अगर मैं 0050 लिखूँ ना तो आगे ज़ीरो लग रही है तो यानी कोई वैल्यू नहीं है, 0050 का मतलब 50 ही है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, एंड देन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए, एंड देन हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें क्या बोला गया है देख लीजिए, अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी एक टू व्हीलर है वो एक डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस है 55.3 किलोमीटर की, यानी चलो ये रास्ता मान लेते हैं जो कि 55.3 किलोमीटर लंबा है, एंड ये हमारा टू व्हीलर है, ये जो
कवर कर रहा है इस पूरी डिस्टेंस को, इसे इधर से लेकर इधर तक जाना है। और इसके पास पेट्रोल कितना है, इसके पास पेट्रोल है ओनली एंड ओनली 1 लीटर, इसके पास ओनली 1 लीटर पेट्रोल है और ये कवर कर सकता है इतनी डिस्टेंस। यानी ये जो 2 व्हीलर है वो 55.3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है इन 1 लीटर पेट्रोल। तो अब पूछा गया है कि अगर वो 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है तो वो 10 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो टू व्हीलर, यहाँ पर हम सिंपल वैसे लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल में वो जो कवर करता है डिस्टेंस वो है 55.3 किलोमीटर। एंड देन क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर 1 लीटर में वो 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है देन 10 लीटर में वो कितनी कवर करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 10 लीटर में वो कवर कितनी करेगा, 55.3 × 10 यहाँ पर हो जाएगा। 55.3 में अगर आप 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 55.3 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 में 10 है तो डेसिमल को हम इधर लगा देंगे एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा 553.0। ये हमारा आंसर हो जाएगा 553.0 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो यानी वो 10 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है, 553.0 किलोमीटर की डिस्टेंस। ओके, तो देखो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप स्टेटमेंट भी लिख दीजिएगा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है, बस यहाँ पर 2 डेसिमल वाले नंबर्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर दोनों ही डेसिमल वाले नंबर्स हो तो उन्हें कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो वही सेम चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे इसमें, बट अगेन थोड़ा हम सीखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2.5 एंड 0.3, तो जैसे हमने पहले किए ना सारे मल्टीप्लाई वैसे ही हम करेंगे। आप एक बार के लिए भूल जाओ कि ये डेसिमल है इधर, आप भूल जाइए कि ये डेसिमल है ही नहीं मान लीजिए, ठीक है। तो ऊपर 25 है नीचे 3 है, तो इसको सिंपली आप पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 15 का 5 और 1 कैरी, एंड देन 3 2 6, 6 और 1 7, एंड देन मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 0 5 0, 0 2 0, एंड देन 5 7 0, आपका आंसर आ गया 0 7 5, ठीक है, आंसर आ गया 0 7 5। अब आपको ये भी पता है कि इधर डेसिमल थे, हमने बस एक बार के लिए हम भूले थे कि भाई डेसिमल नहीं है, लेकिन एक्चुअल में तो हैं। तो अब आप क्या करोगे, अब हमारा आंसर आया है 0 7 5। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि डेसिमल कहाँ लगाएं, अब ज़्यादातर ये कन्फ्यूज़न रहता है कि आंसर तो हमारा आ गया लेकिन ये डेसिमल लगेगा वो कहाँ लगेगा, कितने डिजिट के बाद लगेगा। तो देखो ये क्या है, 2 डिजिट के बाद लगेगा। क्यों लगेगा 2 डिजिट के बाद, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर तो सिर्फ 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल लग रहा है, तो 2 डिजिट के बाद हम आंसर में क्यों लगाएं डेसिमल। देखो ऊपर वाला भी डेसिमल नंबर है, नीचे वाला भी डेसिमल नंबर है, ऊपर वाले में 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग रहा है, नीचे वाले में भी 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग रहा है, तो यानी कुल मिला के दोनों में 2 डिजिट हो रही हैं। यहाँ पर भी 1 डिजिट छोड़ा, यहाँ पर भी 1 डिजिट छोड़ा, तो यानी 2 डिजिट्स हो गई। तो देखो यहाँ आंसर में हम 2 डिजिट छोड़कर ही डेसिमल लगाएंगे, तो आंसर हमारा 0.75 आएगा इस तरीके से, ठीक है, आंसर विल बी 0.75। तो दोनों हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दोनों ही डेसिमल वाले नंबर्स हैं, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बार हम करते हैं, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको करते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1 और 51.7, तो ऐसे लिख लेती हूँ, पहले 51.7 लिख लेती हूँ फिर 0.1 लिख लूँगी, ठीक है। डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल लगता है, ध्यान रखिएगा, मतलब वंस के नीचे आप वंस लिखेंगे, ठीक है, वंस के नीचे वंस लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो 1 7 7, 1 × 1 1, 1 × 5 5, अभी एक बार के लिए डेसिमल हम भूले हुए हैं, है ना, उसके बाद 0 और 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 0 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 0 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है 0, बिकॉज किसी भी डिजिट से 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें 0 ही मिलता है। तो अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 7 1 5 0, तो ये हमारा आंसर आ गया 0 5 1 7, ठीक है, हमारा आंसर तो आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ लगने वाला है, तो पॉइंट कहाँ लगने वाला है, देखो पहली जो
संख्या है 51.7, उधर भी एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा है, और दूसरी जो डिजिट है 0.1 उधर भी एक डिजिट छोड़कर ही डेसिमल लगा है। तो इधर भी एक डिजिट छोड़ी, इधर भी एक डिजिट, तो यानी दो डिजिट हो गई। ठीक है, तो इधर हमारा टू डिजिट छोड़ के यहाँ हम डेसिमल लगाएंगे, तो आंसर हो गया 05.17। और अब जैसा मैंने बताया कि किसी नंबर के अगर स्टार्टिंग में ज़ीरो लगता है तो उसका मतलब वो फाइव ही है। अगर देखो फाइव के स्टार्टिंग में मैं ज़ीरो लगाऊँ तो इसका मतलब फाइव ही है वो, लेकिन हाँ अगर मैं ज़ीरो यहाँ लगाऊँ फाइव के बाद लगाऊं तो ये 50 है, इस जीरो की वैल्यू होगी। लेकिन अगर मैं इसी जीरो को उठा के 5 के आगे लगा दूं ना, तो इधर इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी, ये जो नंबर है 5 ही होगा। ठीक है, तो जब भी नंबर के आगे जीरो लगता है तो उसकी वैल्यू नहीं मानी जाती। तो यहां पर भी 5 के आगे जीरो लग रहा है तो इसकी वैल्यू नहीं मानी जाएगी और इसको हम गायब कर देंगे, तो आंसर हमारा 5.17 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 5.17। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 316.8। तो पहले मैं बड़ा वाला लिख देती हूँ 316.8, उसके बाद मैं लिखूँगी 0.2। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16, 1 हमारा कैरी में हो जाएगा, 6 2 12 और कैरी वाला 1 यानी 13, 13 का 3 और दोबारा से 1 कैरी में गया, 2 1 2 और कैरी वाला 1 3, उसके बाद 3 2 6 हो जाएगा एंड देन 0, तो 0 है तो यानी 0 8 0, 0 × 6 0, 0 × 1 0, 0 × 3 0 0 ही आएगा, है ना। और आंसर हमारा हो जाएगा इस तरीके से 06336। अब देखते हैं डेसिमल कहाँ लगने वाला है, तो इधर भी एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है, इधर भी एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, यानी दो डिजिट्स हो गई, तो आंसर में हम टू डिजिट्स छोड़ के इधर डेसिमल लगाएंगे और आगे हमारा ज़ीरो है यानी इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 63.36। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको लास्ट क्वेश्चन कर दिखाती हूँ, क्योंकि ये बीच के ना सारे क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा इजी हैं। कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो वैसे आई होप आप सारे कर लेंगे, बिकॉज हम इतने अच्छे से जान चुके हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे अच्छे से कर पाएंगे। बट फिर भी मैं लास्ट वाला बता देती हूँ, बिकॉज लास्ट वाला डिफ़िकल्ट होता है, सो लास्ट वाला देख लेते हैं। वैसे ये भी बहुत आसान है, लास्ट वाला भी बहुत ईजी है, तो हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए 100.01 इसमें हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 1.1 का। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1.1 कैसे लिखें, क्या मुझे डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, क्या मैं ऐसे लिखूँ, नो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें कैसे लिखना है, हमें वंस के नीचे वंस लिखना है, यानी इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं होता मल्टीप्लाई करते वक्त। ठीक है, तो ध्यान रखिए हम वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस लिखें। ओके, एंड वैसे भी हम एक बार के लिए डेसिमल को भूल ही जाते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में डेसिमल पे ध्यान मत दिया कीजिए, आप डायरेक्ट नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसे मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो 1 × 1 हो जाता है 1 1 × 0 0, फिर से 1 × 0 0, 1 × 0 अगेन 0, 1 × 1 1, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, 1 × 1 1, 1 × 0 0, ठीक है, 1 × 0 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं इनको ऐड, तो 1 1 यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1, आंसर हमारा आ गया 1 1 0 0 1 1। ठीक है, अब डेसिमल कहाँ लगेगा, तो देखो पहली जो हमारा नंबर था 100.01, इधर हमारा 01 टू डिजिट के बाद में डेसिमल लगा, और नेक्स्ट था 1.1, इधर 1 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा, तो पहले की 2 डिजिट और नीचे वाली 1 डिजिट, 2 और 1 कितने हो जाते हैं 3, तो यानी आंसर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 3 डिजिट के बाद, यानी 1 2 3, ये 3 डिजिट हो गई, इधर डेसिमल लगेगा। ठीक है, डेसिमल इधर लगेगा, आंसर हो गया 110.011, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये कुछ डाउट्स भी मैंने क्लियर करें आपके इस एक्सरसाइज में, क्योंकि कई डाउट रहते हैं कि हम कैसे लिखें, तो मैंने बोला वन, मैंने आपको बताया कि वंस के नीचे हम वंस लिखते हैं, है ना, और डेसिमल आंसर में कहाँ लगता है, तो वो भी हमने समझा, तो काफ़ी कुछ समझा हमने इस एक्सरसाइज में, एंड काफ़ी ईजी और काफ़ी अच्छी मज़ेदार एक्सरसाइज थी, छोटी भी थी, 5 ही क्वेश्चन थे, और आई होप आपको मज़ा आया होगा इन्हें करने में। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, देखो ये जो सारे हमने किए इनको आप खुद से एक बार कीजिएगा तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और अगर आप चाहें तो और भी कर सकते हैं इनके अलावा, तो
आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी, अगर आपने पिछली एक्सरसाइजेस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।